देखो सबको क्या हाल है, कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और जहाँ के भी होंगे किसी ना किसी एनिमल के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल कॉफी फॉर्म पे आपको बहुत सारा वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बार बार पूछा और बोला कि दो ऐसी चीजें हैं जब भी आप पैट रखते हैं तो आपको बहुत ध्यान से कुछ सिलेक्ट करनी चाहिए। एक एक खाना देख लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सा लीटर यूज कर रहे हैं, कहाँ से मिलता है, उसकी प्राइस क्या है, हम उस पर शिफ्ट क्यों हुए थे और लोकल और इम्पोर्टेड लीटर के साथ छोटा सा मैं कंपेरिजन करवाऊंगी। एक चीज मैंने नोट करवानी है कि मैं बिल्कुल 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 कोशिश करूंगी कि एकदम प्राइस बेस्ट हो के एकदम फेयर मैं आपका रिव्यू करूँ, ताकि सब लोगों को जिन्होंने जो सा भी लीटर यूज करना है कम से कम उनको आइडिया हो कि वो लीटर उनके लिए बेस्ट है कि नहीं। और अगर उन्हें हमारे लीटर पर स्विच करना है तो फिर भी उनको आइडिया हो कि उनको बाकी हमारे लीटर जो है वो यूज़ करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि एंड तक आप लीटर से रिलेटेड आप जितने भी देर में सवाल आते सबका आपको जवाब मिल जाएगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें और बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हम जो लीटर यूज़ करते हैं उसको बुरा यानी कि वुड शेविंग कहते हैं। ये आपको तोड़ी फॉर्म में जो कि छोटी क्वांटिटी है या बोरी फॉर्म में मिल जाता है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी होती है। ये 350 से लेके 600 तक रेंज करती है। इसको यूज़ करते हमें 2 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। वो सारे खदशात जो हमारे जेहन में थे कि जी ये इसमें पैरासाइट होते हैं या ये जो है अगर लीटर यूज़ करेंगे तो ये वुड के पार्टिकल से कोई इशू हो जाएगा या ये जब ये इसको स्कूप करेंगे तो वो पॉज उनके ख़राब हो जाएंगे या कोई भी इस तरह की कोई भी हमारे जेहन में जो चीज़ें चल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि मैंने सारा लीटर जो है वो लीटर बॉक्सेस में से जो है वो साफ़ कर दिया है और ये वो लीटर बॉक्सेस है जो मुझे सख्त जहर लगते हैं और इंशाल्लाह मैं जल्द इनसे जान छुड़ा लूँगी। जो डिस्कार्टेड लीटर है वो गार्बेज बैग में मैंने डाल दिया है और अब नया लीटर डालना है जो कि बोरी में है। दोनों हाथों में मैंने जितना लीटर मुझसे लिया जा सकता है वो ले कर मैंने इसको लीटर बॉक्स में डाल देना है। और इस तरह मैंने 3 दफ़ा लीटर बॉक्स में एक लीटर बॉक्स में 3 दफ़ा जो है वो लीटर जो है वो रखना है। ज़्यादा मोटी लेयर इसकी नहीं बनानी होती क्योंकि आपने डेली साफ करना होता है तो आपने उतनी लेयर नहीं डालनी जितना कि आप नॉर्मली जो क्ले बेस जो लीटर्स होते हैं उनके लिए बनाते हैं, क्योंकि उसमें तो आपने वो 21 दिन के लिए चलाना होता है तो आप ज़्यादा उसमें लीटर डाल देते हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर इस लीटर में से कोई वुड के कोई पीसीज वगैरह निकलते हैं तो वो ध्यान से आप निकाल दें। ज़्यादा नहीं निकलते लेकिन फिर भी एक आध जो निकलते हैं वो निकाल लेना चाहिए ताकि उससे कैट को कोई बाद में कोई इशू ना हो। तो अब नया क्वेश्चन जो है वो ये राइज होता है कि हम इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। मिलता ये कहाँ से, कोई भी फर्नीचर बनाने वाली शॉप से आप जाएंगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। लोकली इसका नाम जो होता है वो बूरा होता है लेकिन आपने बूरा जो है वो कहना मोटे वाला बूरा में चाहिए। इसी तरह ये देखें मैं इस तरह डेढ़ सारी हम बोरियां रखवा के लेके आ गए हैं लेकिन ये हमारा 2 या 3 महीने का इकट्ठा स्टॉक होता है, हमें यही कन्वीनियंट रहता है। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जो है एट अ टाइम एक लें टेस्ट करने के लिए और चेक करें कि आपकी कैट को वह वो पसंद आता है कि नहीं आती। और ये एक ही बोरी आपके लिए काफ़ी रहेगी। अगर आपकी एक आधी कैट है तो एक बोरी आपकी 1 महीने में ईजिली चल जाएगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा देर तक चलेगी। एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि इसको खुशक जगह पे रखना है। कोशिश करें तो भाई धूप वाली जगह पे रखें क्योंकि ये है कि अगर आप उसको खुशक जगह नहीं रखेंगे तो ये सोगी और वेट हो जाएगा और फिर ये उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये है कि कितनी तरह के आपको पाकिस्तान में वुड लीटर्स मिल जाएंगे। बेसिकली आपको जितने भी तरह के वुड लीटर्स मिल जाएंगे ना उनमें ये है कि आपको 3 तो बेनिफिट हर तरह के इन वुड लीटर्स में मिलेंगे। 1 तो 0 स्मेल, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि इसमें 0 स्मेल होती है, कोई स्मेल का इशू नहीं होता है। बल्कि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, हमसे मिलने आते हैं, कोई मेहमान आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो यही हैरान होते हैं कि ये बिल्कुल भी उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे घर में इतनी कैट्स है, जब तक हम उनको खुद नहीं बताते कि हमारे घर में इतनी कैट्स है। तो स्मेल का तो कोई इशू ही नहीं है कि आप कभी सोचें हमें सोडा डालना है या कुछ डालना है अगर आप डेली इसको साफ़ कर रहे हैं जो उसका टाइम है। दूसरा ये है कि ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, कोई इन्वायरमेंट पे इस किसी किस्म का हार्म नहीं करता और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता।
तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्योंकि ये क्ले बेस नहीं है, वुड बेस है, इसमें कोई भी सिलिका डस्ट नहीं होती। अगर आप ये कहें ना कि ये इससे मेरी कैट को जो है वो कोई रेस्पिरेटरी या स्किन का इशू हो सकता है, तो वो उसको नहीं होगा। जो कि आपको अमूमन जो आपकी इंपोर्टेड या लोकल लिटर्स होते हैं जो क्ले बेस होते हैं, उनमें ये बहुत मसला होता है कि आपको शुरू के तो एक आध साल में तो आइडिया नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैट थोड़ी एज करती है तो उसमें जो है रेस्पिरेटरी इशूज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं। वुड लेटर में सबसे पहले जो आपके पास आता है वो सॉडस्ट आता है, जिसको बारीक वाला पाउडर वाला बूरा कहते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये शॉप में इजीली इस तरह ये पड़े होते हैं। और इसको आपने बुरादे से जो है वो मिक्स नहीं करना, ये बुरादा है और ये इंतहाई जो है ना ये हार्मफुल है कैट्स के लिए। देखिए कितनी डस्ट है इसके ऊपर, तो ये आपने नहीं लेना, आपने सॉडस्ट पूछना अगर लेना भी है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्होंने रेत या मिट्टी यूज़ कर रहे थे, तो उसका तो अल्टरनेटिव है, लेकिन मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि इससे कई कैट्स को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। और पर्सनली मैं क्योंकि मुझे खुद भी मल्टीपल एलर्जीज हैं, तो जब मैं इसको एक आधी दफ़ा मैंने यूज़ किया था और मैं जब चेंज करती थी लिटर और नया लिटर डालती थी, तो उसके सारे पार्टिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करते थे, तो मैं पर्सनली इसको प्रेफर नहीं करती। एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका ये भी है कि ये जो है अगर हम मोटे वाला बूरा कहें तो उसके मुकाबले में क्वांटिटी में ये कम बनता है। जब भी फर्नीचर बनाने वाला जब फर्नीचर बना रहा होता ना, तो फ्लेक्स जो है या वुड शेविंग जो है वो तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही होती है, लेकिन डस्ट उसके मुकाबले में कम बन रही थी। तो जिनकी ज़्यादा कैट्स हैं उनको वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में या अमाउंट में वो नहीं दस्तयाब होगा जितने में वो चाहते हैं। वाले बूरे के बाद जो है वो मोटे वाले बूरे की बारी आती है, यानी सॉडस्ट के बाद जो दूसरे नंबर पे लीटर आपको मिल जाएगा इजीली पाकिस्तान में, वो है वुड शेविंग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसमें कोई मिट्टी कोई डस्ट को पार्टिकल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये ज़बरदस्त है हमारे लिए। और मैं आपको भी ये सबको प्रेफर करूँगी आप ये यूज़ करें, और ये मैं पर्सनली तो प्रेफर कर ही रही हूँ, लेकिन ये भी है कि अगर आप गूगल भी करेंगे तो इजीली आपको टॉप 5 जितने भी बेस्ट लिटर्स होते हैं उनमें आपको 2 लिटर ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो वुड बेस होंगे। लेकिन चेंज आपने इसको डेली करना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये 24 घंटे बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और ये जो आपको ये डार्कर एरिया वगैरह सारा नज़र आ रही है, बेसिकली ये सारा कैट यूरिन और ये सारा उनका स्टूल वगैरह ये सारी ये चीज़ें 24 घंटे बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, सारा सॉगी वेट हो जाता है। इसको जो है ये नहीं करना कि ये जिस तरह ये वेट वाला एरिया है जो उसको करके लदा कर देना और इसके अंदर ही मजीद लिटर डाल देना जो आप नॉर्मल लिटर के साथ करते हैं, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे ना कि हमारा काम चल जाएगा और ये कोई शॉर्टकट है और मरीज बचत हो जाएगी, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। मेहनत तरीफे तो बहुत कर दी, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, तो वो एक ही है और वो ये है क्योंकि ये एक लाइटवेट लिटर है तो ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है, इसका जो लिटर है वो लिटर बॉक्स से बाहर चला जाता है। और मुझे पर्सनली इसे कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरी कैट्स हर तरह के लिटर को ही बाहर गिरा देती है लिटर बॉक्स से, तो मैं इसके साथ भी कम्फर्टेबल हूँ। तीसरे नंबर पे आपके पास वुड पैलेट्स आ जाती हैं, ये ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर की बनी होती है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और कम से कम ये 2 या 3 दिन जो है इजीली जो है वो गुजार लेती हैं। अगर आपको डेली चेंज करना जो है वो हेक्टिक लगता है तो ये आपके लिए अच्छा अल्टरनेटिव है, इसको मैनेज करना भी ईजी होता है। लेकिन एक मसला है कि ये थोड़ा सा बाकी दोनों के मुकाबले में थोड़ा सा कंपेरेटिवली महंगा होता है। अगर आपको जो है वो दूसरा बूरा जो है वो 30 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है और सॉडस्ट और आपको वुड शेविंग जो है वो ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो ये आपको ऑलमोस्ट जो है वो 100-150 रुपीज़ पर केजी मिल रहा होता है, जो कि प्राइस डिफरेंट थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनके लिए प्राइस कोई इशू नहीं है और वो एक हेल्दी अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहते हैं, वो एक हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, तो उनको मैं ज़रूर ये प्रेफर करूँगी कि वो वुड पैलेट्स को यूज़ करें और कमेंट्स में मुझे भी बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं आपको वो वजह बताऊँगी जिसकी वजह से हमने इस लिटर का इंतखाब किया। तो बेसिकली जब हमने नया नया ये रेस्क्यू वगैरह करना शुरू किया तो किटन सीज़न आया और एक ऐसी हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमारे पास 7 किटन्स आ गई, कुछ हमने रेस्क्यू की कुछ हमने अडॉप्ट की, और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो 7 की 7 किटन्स को काफ़ी सीवियर डायरिया हो गया। और जब तक वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 की 7 किटन जो है रिकवर हो गई, लेकिन जब तक वो रिकवर हो गई तो हमारा लिटर का बजट जो है ना वो आसमान तक चला गया। और ये भी मनी भी इतना इशू नहीं था। उसके बाद एक और मसला ये हुआ कि मेरी 2 कैट जो हैं उनको बेसिकली डस्ट एलर्जी हो गई। एक मेरी कैट जो है वो थोड़ी सी एस्थमेटिक भी है, उसको एस्थमा तो नहीं हुआ लेकिन उसकी सिचुएशन उसको ब्रीडिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं।
तो जब उसको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन देनी पड़ गई तो फिर मैंने जब वेट से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपको लीटर जो है वो अपना चेंज करना चाहिए। और उन्होंने ही बेसिकली मुझे ये रेफ़र किया था कि आप ये वाला लीटर यूज़ करें अगर आपकी कैट्स को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो रहे हैं। और वाकई जब मैंने इसको यूज़ किया तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि मेरी कैट को उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का कोई रेस्पिरेटरी या एलर्जी रिलेटेड कोई भी या डस्ट रिलेटेड कोई भी इशू नहीं हुआ। रीज़न उसकी ये नहीं थी कि मेरे पैसे बहुत लग रहे थे या कोई और कोई इस तरह की चीज़ें, जैसे मैं पहले बता दी कुछ मेरे खदशात भी थे या कुछ ये भी था। सोशल मीडिया ऐप्स पे भी बहुत ज़्यादा लोग इसकी कुछ लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो ये कोई ये नहीं कि मैं ही यूज़ करती, बहुत सारे और लोग काफ़ी अर्से से इसको यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ये भी एक इशू था कि ये क्लम्पिंग नहीं करता, ये लेटर जो है वो क्लम्प्स क्रिएट नहीं करता जिस तरह आपको नज़र आ रहा था अभी वीडियो में। तो ये लोकल लेटर तो क्लम्प्स वगैरह बनाते हैं काफ़ी बुरा, वैसे तो लोकल लेटर बहुत बुरा क्लम्प बनाता है, तो लेकिन ये जो वुड बेस होती है बिल्कुल भी क्लम्प नहीं बनाते। मुझे लगता था कि शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं लोकल इम्पोर्टेड वुड बेस लेटर का एक छोटा सा कंपैरिजन करूँगी और सबसे नंबर वन पे आ जाता है कि ये क्या इजी टू कैरी है। तो उसमें मैं कहूँगी कि वुड बेस जो है वो इतना ईजी टू कैरी नहीं। ईजी टू कैरी से मुराद ये कि इसको ख़रीदना, इसको ढूंढना, इसको लेके आना क्या आसान है। तो नॉर्मली आपको कोई वुड बेस लेटर के बारे में नहीं बताएगा और आपको इजीली शॉप्स पे जो है वो इस तरह पैकेट में पड़े हुए क्ले बेस लेटर ही मिलेंगे। तो इस वजह से वुड बेस पे मैं इसको जो है वो टिक मार्क मैंने नहीं किया। दूसरे नंबर पे आ जाता है अडर कंट्रोल है कि ये स्मेल के मामले में हम कहेंगे तो मैं कहूँगी कि लोकल लेटर सबसे ज़्यादा बुरा है। उसकी स्मेल इंतहा बुरी होती है और वो एक आधे दिन में ही जो है वो इंतहा का जो है वो बुरा किस्म का जो है वो ऑर्डर छोड़ देता है। इसके बाद बारी आती है इजी टू स्कूप की है, यानी कौन सा लेटर है जो कि इजीली स्कूप हो जाता है। और क्योंकि लोग जो है क्लम्पिंग लेटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि जिन लेटर के क्लम्प्स बनते हैं वो इजी टू स्कूप होते हैं, इस वजह से मैंने इम्पोर्टेड लेटर पर टिक मार्क किया है क्योंकि लोकल लेटर के क्लम्प्स बेइंतहा बुरे होते हैं और वुड बेस में तो क्लम्प्स बनते ही नहीं हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये डस्ट फ्री है या नहीं है। तो उसमें हमने पूरी वीडियो में बार बार आपको बताने की यही कोशिश की है कि सिर्फ एक ही लीटर जो वुड बेस होता है सिर्फ वही लीटर होता है जो डस्ट फ्री होता है, इसके अलावा बाकी दोनों में सिलिका डस्ट मौजूद होती है। एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो ये है कि इनमें से इकोनॉमिकल कौन है। तो इकोनॉमिकल तो सिर्फ वुड बेस ही है। लोकल लेटर्स बहुत सस्ते होते हैं, ऑलमोस्ट ये आपको 250 से 450 में ये आपको रेंज कर रहे होते हैं। वुड बेस आपको इससे सस्ते भी मिल जाते हैं और इम्पोर्टेड लेटर्स तो 700 से लेकर 1300 रुपये तक होते हैं। ये तो उनकी प्राइसिंग हो गई, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल मैं वो वुड बेस को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वुड बेस लेटर ऑलमोस्ट आपको उतने ही बेनिफिट देते हैं जितना कि आपके इम्पोर्टेड लेटर देते हैं, बल्कि उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको दे रहे होते हैं। जबकि लोकल लेटर जो है वो कोई बेनिफिट भी नहीं दे रहे होते, उससे आपकी बिल्ली को फ्यूचर में नुकसान भी हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्मेली भी होते हैं, तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो वो इस वाले से अगर आप उनकी हेल्थ को लेके कंसर्न है तो फिर आप लोकल या इम्पोर्टेड लेटर की तरफ ना जाएं, बल्कि मेरा तो आपको बिल्कुल यही मशवरा होगा कि आप वुड बेस लेटर यूज़ करें। कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो है वो इस तरह की शॉप ढूंढें जो कि आपको वुड बेस लेटर प्रोवाइड कर सकती हैं और जल्द से जल्द अपनी कैट्स को उसके ऊपर स्विच करवाएँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और लेटर से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल आते हैं इस वीडियो ने उन सबका जवाब दे दिया है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम उनका बड़ी खुशी से आंसर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।